Recording in progress. हेलो स्टूडेंट, आज जैसे कि तुम्हें मालूम है कि जेईई एडवांस का पेपर था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था आईआईटी की तरफ से कि इन्हें थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज किया गया है। इन्हें पैटर्न में चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे पेपर वन जो था उसमें कुछ कंप्रहेंशन आए हैं और जो कंप्रहेंशन है वो हमारे क्या है इंटीजर बेस्ड यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वहां पर, क्या कि नहीं। ऑफिशियली तो पेपर अभी आउट हुआ नहीं है, यानी ऑफिशियली पेपर तो आया नहीं है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड एक आध क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे हैं तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हम लोग के स्टडी मटेरियल में, पेस के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया रहता है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट इट ब्रेक्स इनटू टू आइडेंटिकल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल इज जीरो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से एक पार्टिकल को हम वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा हिट कर रहे हैं। जो वी नॉट वेलोसिटी दिए वो दिए 5√2 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 45 डिग्री। अब जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल अपना इस तरह का पैराबोलिक पाथ क्या कर रहा होगा, फॉलो करता। अगर ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से एट ए सर्टेन एंगल प्रोजेक्ट किया है तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होता, पैराबोलिक होता। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आया है, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आया है तो उस टाइम पे ये पार्टिकल दो इक्वल पार्ट में क्या कर गया है, ब्रेक कर गया। अच्छा मान लेते हैं जो ओरिजिनल पार्टिकल है उसका मास यहां पे कितना है, एम है। अब जैसे ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब दो पार्टिकल में क्या हो गया, ब्रेक कर गया, यानी इसका मास भी m बाय टू, इसका मास भी क्या हो गया, m बाय टू। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जैसी कोलिजन, जैसी ये पार्टिकल ब्रेक करता है तो उसमें से एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पार्टिकल रहेगा वो तो जस्ट इस पॉइंट पे क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा, और ये जो पॉइंट रहेगा, बताओ ये पॉइंट हाफ ऑफ रेंज होगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस भी वहां पे क्या होगा, आर बाय टू होगा। तो जो भी पार्टिकल टूटा है, पार्टिकल टूटा है मैक्सिमम हाइट पे, तो जो फर्स्ट पार्टिकल रहेगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो वो पार्टिकल जस्ट मैक्सिमम हाइट के नीचे जाके क्या होगा, गिरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला याद होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। वी नॉट स्क्वायर यानी कितना हो गया, 25 इंटू 250 साइन 91 बाय जी। बताओ रेंज 5 मीटर आ रही कि नहीं आ रही। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि जो सेकेंड पार्टिकल है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन की भी कुछ प्रॉपर्टी यूज की गई है, और साथ में यहां पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी क्या है, एप्लीकेबल है। हमें ये मालूम है कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे ब्रेक हुआ है, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे ब्रेक हुआ है तो ये जो भी पार्टिकल टूटा है ये अपने इंटरनल फोर्स के कारण टूटा है। बताओ एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज आया है क्या, पहले भी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था, बाद में भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास का पाथ तभी चेंज होता है जब सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कंटिन्यूअसली इसी पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पे आ रहा होगा। अब इस पोजीशन पे अगर फर्स्ट पार्टिकल जाके गिरा है तो जो सेकेंड पार्टिकल रहा होगा
वो कुछ इस तरह से कहीं आगे जाके गिरा होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन में ये डिस्टेंस स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना। तो यहां पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी भी यूज करी है, साथ में हमने यूज किया है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अगर एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास वही पाथ को क्या करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको मान लो ओरिजिन, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। हमारे पास दो पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल का अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला हम यूज करते थे वहां पे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन क्या हो गया एम वन प्लस एम टू, टोटल मास वहां पे। अच्छा अब बताओ यहां पे हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मालूम है कि नहीं मालूम है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से बताओ कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से 5 मीटर डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो हमें एक्ससीएम की वैल्यू तो मालूम है, एक्ससीएम हो गया 5, एक पार्टिकल का मास m बाय 2, उसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा बताओ, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कहां पे गिरा, वो तो 2.5 पे गिरा, तो m बाय 2 इंटू 2.5 प्लस क्या होगा m बाय 2 इंटू क्या हो गया x अपॉन टोटल मास कितना हो गया m वहां पे, बताओ ये होगा कि नहीं होगा वहां पे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में m m m कैंसिल आउट होगा, 2 वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी 5 इक्वल्स टू 2.5 प्लस x बाय क्या हो गया 2। सॉल्व करोगे इसको तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 2.5 प्लस x, तो जो x आएगा उसकी वैल्यू 7.5 मीटर होगी, बताओ हो कि नहीं। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया है उससे पार्टिकल 7.5 मीटर डिस्टेंस पे जाके क्या होगा, गिरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सेंटर ऑफ मास की, और ये हर मॉड्यूल और हर बुक में ये थ्योरी बच्चों को क्या की जाती है, सिखाई जाती है। तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी तुम लोग भी जब ऑफिशियली आंसर की आएगी, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो जिन लोगों को अगली बार आईआईटी देना है या जिन लोगों का 11 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 12 का कुछ चल रहा है, तो उन बच्चों को भी ट्राई करके देखना है कि 11 का जितना पोर्शन अपन ने पढ़ा है उसमें से अपन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है।